ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार, हर हर। प्रणाम है शंकराचार्य। मेरा फ़ोन नंबर है 9325061460। अभी आपको जो एक तरीका बताऊंगा पानी को शुद्ध करने का, नैसर्गिक तरीका, अच्छा तरीका, बढ़िया तरीका, वो बहुत ही अच्छा तरीका है, उसका उपयोग करो। अभी जो ये पानी का भरा हुआ टाका है, पानी है, और मैं खेत में हूँ, एक पूरा खेत है, बाजू में रोड है, तो ये पानी में जो चीला है हरा हरा, वो ये पानी गंदा हो गया और सही में वो गंदा भी हो गया। तो अभी इसको अगर शुद्ध करना है, पानी को ठीक करना है, स्वच्छ करना है, पानी पीने लायक करना है, तो क्या करोगे? इसका चीला निकाल दोगे और कुछ केमिकल पाउडर जो मिलता है वो डाल दोगे और पानी शुद्ध हो जाएगा। वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका क्या है जो हमेशा ये पानी शुद्ध हो जाए और पीने लायक हो जाए? बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया तरीका है, सिंपल तरीका है। आजकल उसका उपयोग करते नहीं है और केमिकल पाउडर का उपयोग करके उस पानी को शुद्ध हुआ ऐसा बोलते हैं, जबकि वो केमिकल पाउडर होता है। लेकिन इसको अगर पीने लायक ही करना है तो क्या तरीका होना चाहिए? नैसर्गिक तरीका, बहुत अच्छा तरीका, बढ़िया तरीका, बिल्कुल फुल गारंटेड। तो उसका तरीका है इस पानी को शुद्ध करने का, कासव जो होता है उसको अगर इस पानी में डाल दिया, छोटा सा कासव भी इसके अंदर डाल दिया, तो ये जो गंदगी पानी में दिख रही है आपको, जो चीला दिख रहा है, एक हफ्ते में पूरा पानी स्वच्छ हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। ये पानी अगर काला भी हो जाता चीले के कारण, किसी कारण, तो उसको भी शुद्ध करने की क्षमता एक कासव में होती है। तो कासव का अगर उपयोग करते हैं, इस उस कासों को इसमें डालते हैं, तो एक हफ्ते में छोटा सा कासों भी डाल दिया तो पूरी गंदगी इसकी साफ़ हो जाएगी और पानी स्वच्छ रहेगा। घर में अगर पानी का टाका है तो उसमें अगर आप एक कासो रखते हैं, वो तो लक्ष्मी मैया का प्रतीक है, वो धन का प्रतीक है, भगवान श्री विष्णु जी का अवतार है कासो, तो उसको अगर इस पानी में डाल देंगे तो पानी पूरा स्वच्छ हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। इतना अच्छा तरीका होता है, सिंपल तरीका है। घर में अगर पानी का टाका है तो उसको उसमें रखो, बहुत से विषारी तत्व उससे ख़त्म हो जाते हैं, पानी पीने लायक हो जाता है। तो ठीक है, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जनकद्वार, हरि हर।